सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग मुखिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। आज हम बना रहे हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम। ना इसमें हम क्रीम का यूज करेंगे ना कंडेंस मिल्क का, और हम ये दूध से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है, गैस को हमने ऑन कर लिया है। 15 से 20 मिनट इसको आधा होने तक पकाएंगे। दूध में हमारा उबाल आ गया है, बीच बीच में हम स्टर करते रहेंगे जिससे हमारा दूध तले में चिपके नहीं। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर ले रहे हैं। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हो, इस तरह से ये खाने वाली चम्मच होती है ना, उसी से हमने लिया है। अब इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे दूध लेके इसको एक स्लरी बना लेंगे। तो हम साइड में रख देंगे, इन किनारों को हम स्क्रेप कर लेंगे, इससे हमारी और भी अच्छी आइसक्रीम बनेगी। इसी से तो आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी बनती है। 15 मिनट हो गया, दूध भी हमारा देखिए गाढ़ा हो गया है। अब इसमें जो हमने ये मिक्स करके रखा था इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। रहेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। 6 से 7 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। इससे हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनेगी। यहाँ पे हमने ये आधी कटोरी चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। मीठी चीजों में चीनी ज्यादा लगती है, कप के हिसाब से देखें तो ये लगभग आधा कप चीनी है, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी मीठा होता है हमारा। चीनी की मात्रा उसी हिसाब से रखें। देखिए तो हमारा गाढ़ा हो गया है, थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। ये हम बटर स्कॉच सेल्स डाल रहे हैं, क्योंकि भाई हम बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसका फ्लेवर तो होना जरूरी है। अगर है तो जरूर डालें, वरना इलायची डाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक चुटकी येलो कलर डाल रहे हैं, ये फूड येलो कलर है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि बटर स्कॉच आइसक्रीम का ये कलर होता है तो हम बिल्कुल मार्केट जैसा बना रहे हैं, तो इसलिए हमने एक चुटकी इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, कटोरी से 1 कप लेकिन आधा कप चीनी है, इसको हम मेल्ट करेंगे। इसे क्रंच बन रहा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इस कैरेमल क्रंच से बटर स्कॉच आइसक्रीम का फ्लेवर 2 गुना हो जाता है, तो इस स्टेप को बिल्कुल मिस ना करें। देखिए हमारी ये चीनी पिघल गई है। इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट लगता है। फिर चीनी पे डिपेंड करता है आपकी चीनी कैसी है। यहाँ पे हम 1 चम्मच बटर ले रहे हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा काजू, इसको भी इसी मिक्स कर देंगे। इस प्लेट को हमने बटर से ग्रीस कर लिया है, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। आप बटर पेपर ले सकते हो, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसमें फैला लेंगे और इसको इसी तरह से यही सरफेस पे छोड़ देंगे। ये ठंडा हो गया है, किसी भी बॉक्स में कंटेनर में जो आपके पास हो आप उसमें डाल के रख दीजिए। आपके पास सिल्वर फॉइल है तो सिल्वर फॉइल से इस तरह से कवर कर दीजिए, या फिर बटर पेपर हो उससे कर दीजिए। अब घर में जब इतनी आसानी से बटर स्कॉच आइसक्रीम बन जाए
तो बाहर की क्यों खाना भाई, अब इसे 2-3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये कितनी आसानी से निकल गया, इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। आप इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैंने इस तरह से ये लिया है, इसे बिल्कुल बारीक चूरा नहीं करना है, इसको बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कूट लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया है। अगर ये हम मिक्सी में करते तो ये बिल्कुल चूरा बन जाता, वो क्रंच नहीं रहता। इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो, एक महीने तक आप स्टोर करके भी रख सकते हो। बटर पेपर को हमने इसलिए लगाया था कि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे। अब इस आइसक्रीम को हमें पूरा नहीं जमाना था, बस ऐसे ही जमाना था। अब क्या करेंगे, इसको हम मिक्सर जार में डाल लेंगे। इसको हम चर्न कर लेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए इसका टेक्सचर, देखिए कितना क्रीमी और देखिए कितना स्मूथ है, ऐसा ही हमको चाहिए था। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से बॉक्स में डाल देंगे। इसमें एयर पॉकेट बन गए हैं कि हमने इसमें मिक्सी में इसको चर्न किया है, चलाया है। जो हमने कैरेमल क्रंच बना के रखा था इसको हम डालेंगे। इससे ही तो अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। आपको जितना ज्यादा पसंद हो आप उतना डालिए, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट। आप चाहे तो आप 7 से 8 घंटे के लिए रख दें। अब हम इसमें सिल्वर फॉइल लगाएंगे। सिल्वर फॉइल ऐसे लगाएंगे इसको, इसके सरफेस को थोड़ा सा टच करते हुए, जिससे इसमें हमारे आइस क्रिस्टल ना जमे और हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी जमे। इस तरह से कर देंगे और इसको हम फ्रीजर में रख देंगे। मैंने ओवरनाइट रखा था फ्रीजर में। अब देखते हैं मेरी बटर स्कॉच आइसक्रीम कैसी बनी है। वाह, देखिए हमारी ये होममेड बटर स्कॉच आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी लग रही है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये कितनी क्रीमी बनी है और कोई ये नहीं कह सकता कि इसलिए हमने क्रीम से नहीं बनाई है। इसके थोड़ा सा हम और बटर स्कॉच डाल दे रहे हैं। मैंने ये ग्लास में भी सर्व कर लिया, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा ना इस तरह से। तो हम आपको कट करके दिखाते हैं। वाओ, ये बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। टेक केयर, बाय।